देखिए, हम सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे फ्यूचर में खुश रहें, सुखी रहें, सफल रहें और उनकी हर हर जरूरतों को हम पूरा करते हैं, हर फैसिलिटी उनको देते हैं। ओके, बट फैसिलिटी के साथ साथ हमें उनको अच्छी आदतें भी डालने सिखानी चाहिए ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उनकी फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो हेल्दी रहें, सुखी रहें, खुश रहें, खुश रहने के साथ साथ वो सफल रहें, सक्षम रहें, है ना। तो मैं हूँ प्रिया और मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको यही टॉपिक पर बताने वाली हूँ कि बच्चे को अच्छी आदतें कैसे डालें, किन किन आदतों के बारे में हमें, बच्चों की अच्छी आदतों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लाई हूँ 10 बातें जो मैंने खुद स्टडी किया है और मेरा भी बेटा है, मैं अपने बेटे पर भी फॉलो करती हूँ। बट मैं जो बातें बताऊंगी वो बातें आप अपने बच्चों पे फॉलो करने से पहले आप अपने पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के रोल मॉडल है ना। हम अपने बच्चों के फॉलोअर है ना, हम उनका एग्जाम्पल है, जैसा हम करेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो सबसे पहले ये टिप्स आप पे लागू होते हैं, आप पेरेंट्स से, तो ये टिप्स पहले आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चों पे आजमाइए ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, वो खुश रहें, खुश रहने के साथ साथ सफल रहें। तो मैं आपको बताने वाली हूँ 10 बातें, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। देखिए, बातें तो कई सारी हैं, आदतें तो अच्छी आदत की अगर हम बात करना चाहें तो कई सारी आदत हैं, अनगिनत आदतें हैं, बट मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट आदतें बताने जा रही हूँ जो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि जो भी, जैसे भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं हम अपनी 10 आदतें। तो इसमें हमारी पहली आदत है कि आप बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं, बच्चों को सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। देखिए, हम खुद ही पेरेंट्स जब लेट तक सोएंगे, बहुत देर तक सोएंगे, तो बच्चे तो सोएंगे ही ना। हम क्या करते हैं, आज संडे, आज हॉलीडे, हम देर तक सोएंगे, बच्चे भी देर तक सोएंगे, तो उनको ये आदत फ्यूचर में बहुत दिक्कत देगी, सच में बहुत दिक्कत देगी। आपको बच्चे को सुबह जल्दी उठाना सिखाना चाहिए, जल्दी उठने से बच्चों में फुर्ती फुर्तीपन रहता है, सुबह का जो एटमोस्फियर है वो बच्चों के अंदर ऑब्जर्व होता है और सच में एटमोस्फियर बहुत ही शुद्ध होता है, ये बच्चों के अंदर बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों के साथ साथ आप भी जल्दी उठिए और उठ के ही तुरंत भगवान जी को प्रणाम करना सिखाइए, उनका थैंकफुल करिए और नए दिन की शुरुआत के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज का मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो ये भी बहुत एक अच्छा उपाय है बच्चों में अच्छी आदत डालने का। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यायाम, योगा, मेडिटेशन। बच्चों को सुबह जल्दी उठने के साथ साथ आप अपने साथ साथ बच्चों को भी व्यायाम योगा करना सिखाइए। व्यायाम योगा करने से बच्चे पूरे दिन पावरफुल रहते हैं और वो पूरे दिन फुर्तीला, एक अजीब मतलब बहुत ही अच्छे हेल्दी रहते हैं, है ना। तो ये आप भी कीजिएगा और अपने साथ साथ बच्चों को भी करवाइएगा, ये बहुत ही अच्छा है उनके फ्यूचर के लिए। ओके, देखिए ये आदतें आप प्लीज बचपन से डालिए। आप ये मत सोचिए कि बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद में आपको उसके बाद में उसको सिखाऊं, ऐसा नहीं है, बचपन से ही हमें ये आदत डालनी होगी। जैसे कि आप घर में पौधा लाते हो तो उसकी केयर आप शुरू से ही करते हो ना, शुरू से ही उसकी अच्छी देखभाल करते हो, उसके बाद वो बड़ा होके ठंडी छाया और मीठे फल देते हैं। तो ऐसा ही हमको करना है, बच्चे को शुरू से ही सिखाना है ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। थर्ड पॉइंट पे आता है पॉजिटिव चीजें सिखाना बच्चों को, ये देखिए बहुत ही जरूरी है। हम सभी पेरेंट्स को मिलके ध्यान रखना पड़ेगा कि
कि हमारे बच्चे पॉजिटिव लोगों से मिले और पॉजिटिव चीजें सीखे। अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो वो नेगेटिव लोगों से मिलेंगे और वो हर चीज को नेगेटिविटी के नजरिए से देखेंगे और वो इन्हीं के साथ बड़े होंगे। देखिए, नेगेटिव लोगों से मिलने से वो बहुत बुरे काम करेंगे, बहुत ही नेगेटिविटी की सोच रहेगी उनकी। तो ये हमें याद रखना है कि बच्चों को पॉजिटिविटी उनके अंदर डालनी है। पॉजिटिव वीडियो दिखाओ आप, उनको पॉजिटिव के ऊपर कोई भी अच्छी अच्छी स्टोरी सुना सकते हो। बच्चे को ईमानदारी आती है पॉजिटिविटी से। फोर्थ पॉइंट में आता है, बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धुलवाएं। देखिए, आजकल के बच्चे बड़ी हड़बड़ाहट में रहते हैं और वो अक्सर हाथ बिना धुले ही खाना खाने लगते हैं। तो ये हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने साथ साथ बच्चों को भी अच्छे से खाना खाने से पहले हाथ धुलवाएं और उन्हें समझाएं कि बेटा खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। अगर आप हाथ नहीं धुलोगे तो आप बीमार हो जाओगे, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस तरह से आप समझाइए, और बड़े बच्चे हैं तो उनको आप एक बार समझा दोगे वो जरूर समझ जाएंगे। ओके, और खाना खाने से पहले हाथ जरूर धुलवाएं। इसी के साथ साथ उनकी छोटी छोटी जो साफ सफाई है उसकी भी बातें समझाएं, जैसे ब्रशिंग हो गया, अच्छे से बात करना, ये सब उनको समझाएं कि साफ सफाई से रहना चाहिए। अगर सफाई से नहीं रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे। ओके, इसी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पेशेंस। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी पेशेंस, शांत रहना, गुस्से को कंट्रोल करना। देखिए, आजकल के जो बच्चे बहुत ही जिद्दी हैं, बहुत ही नटखट हैं, और वो कोई भी बात उनको क्या है ना, बस एक बार डिमांड की तो वो पूरी होनी चाहिए। आजकल के जिद्दी बच्चों को पेशेंस रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको अपने बच्चे को पेशेंस सिखाना चाहिए। आजकल के बच्चे पेशेंस नहीं रखते और प्राइवेट प्लेस हो या फिर पब्लिक प्लेस हो वो मुंह उठा के बोल देते हैं और गुस्से में बोल देते हैं। उनकी बात अगर नहीं सुनी जाए तो वो बहुत ही हाइपर हो जाते हैं। तो ये बात आप उनको अच्छे से समझाइए, जब वो अच्छे मूड में हो तब समझाइए। ओके, इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पेक्ट, आदर मान सम्मान। हमारे बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, आदर मान सिखाना चाहिए। कैसे करना चाहिए? देखिए, जरूरी नहीं है कि रिस्पेक्ट बड़ों को ही दें, बड़ों के साथ साथ छोटों को भी देना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चों को तूता करके बोलोगे तो वो भी आपको तूता करके ही बोलेंगे। अगर आप उनको रिस्पेक्ट से पेश आओगे, उनके सामने आप करके बोलोगे तो वो भी आप करके ही बोलेंगे। तो ये बात आप अपने बच्चों को सिखाइए कि बड़ों को प्यार, बड़ों को रिस्पेक्ट, आदर मान सम्मान, और छोटों को प्यार करना सिखाना चाहिए, है ना। देखिए, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए बड़ों का कहना मानना, बड़े जो बात कहें उनको ध्यान से सुनना, उन पर विचार करना और उनकी बात समझना, ये बहुत ही जरूरी है उनके फ्यूचर के लिए। अगर हमें उनका फ्यूचर ब्राइट बनाना है तो ये चीजें हमें सिखानी पड़ेंगी। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी अप्रिशिएट। बच्चों को अप्रिशिएट करना सिखाइए। हम पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, जैसे उसके फ्रेंड के परसेंटेज अच्छे आए, उसका फ्रेंड कोई भी एग्जाम में अच्छा रैंक से वो पास हुआ है, अच्छे रैंक आए हैं उसके, तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, वो तो चीटिंग करके पास हुआ है, वो तो ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं करना है हमें, प्लीज ये बात हमें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम देखो दूसरों में बुराइयां मत ढूंढे, उसमें अच्छाई ढूंढे, उसके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करें, उसके छोटी से छोटी बात को अप्रिशिएट करें, और अपने बच्चे को सिखाएं कि बेटा जो कोई अच्छा काम करता है उसको, हर अच्छे काम को आप अप्रिशिएट करो, और उनके अच्छे काम क्या करता है, उसकी अच्छी आदत क्या है, वो आप अपने अंदर भी डालो, है ना। इस बात को आप अच्छे से समझाएं बच्चों को, वो जरूर समझेंगे, आपके ही बच्चे हैं, वो जरूर मानेंगे आपकी बात। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयरिंग और केयरिंग। हमें अपने बच्चों को शेयरिंग और केयरिंग करना सिखाना चाहिए।
देखिए बच्चे को बचपन से ही शेयरिंग और कैरिंग की आदत डालनी चाहिए। बड़े होके अगर आपने बचपन से नहीं सिखाया, बड़े होके सिखाया तो कोई फायदा नहीं है, वो बड़े होके बिल्कुल नहीं सीखेंगे। सच बोलनी हो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तो आपको बच्चे को शेयरिंग और कैरिंग की आदत बचपन से ही डालना चाहिए। जैसे आप छोटा बच्चा है या बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उसको टॉफी देते हो, दो, जैसे कि आपने दो टॉफी दी, तीन दी, तो आप जैसे भी टॉफी देते हो, कोई भी लंच देते हो, तो आप अपने बच्चे से कहो, बेटा आप अपना लंच अपने सभी फ्रेंड से शेयर करना, ये टॉफी आप सभी फ्रेंड से शेयर करके खाना। तो ये आदत आपके बच्चों को बड़े तक रहेगी, लॉन्ग टर्म तक रहेगी, सच में रहेगी। और उसको केयर करना सिखाएं, हर इंसान हर व्यक्ति की केयर करना सिखाएं, कि हर व्यक्ति की केयर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर का ही व्यक्ति हो या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हो, है ना। किसी को किसी हेल्प की जरूरत है तो उनको हेल्प करना सिखाएं, कि अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो प्लीज उसको हेल्प कीजिए, है ना, ये बहुत ही जरूरी है। और व्यक्ति के साथ साथ हर छोटी से छोटी चीज की वैल्यू समझाएं, हर छोटी बड़ी चीज की केयर करना सिखाएं उसको, ये उसको बहुत ही अच्छी आदत डालना सिखाएगी और उसका फ्यूचर ब्राइट बनाएगी। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमें जो फैसिलिटी नहीं मिली है ना हमारे बचपन में, वो हम अपने बच्चे को दें, उसको कोई भी चीज की जरूरत ना पड़े। तो देखिए अगर आप फैसिलिटी ज्यादा ही देते जाओगे तो उसको फैसिलिटी की बहुत बुरी आदत पड़ जाएगी और वो फ्यूचर में भी फैसिलिटी की ही डिमांड करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा भी नहीं। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि बच्चों को फैसिलिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और उसको अच्छे से फॉलो करना सिखाएं। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जरूरी नहीं है कि बड़ा बच्चा ही बड़े बच्चे को ही दे सकते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, अभी अभी स्कूल जाना सीखा है, तो वो स्कूल से आया तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, बेटा आप जब स्कूल से आओ तो अपना लंच बॉक्स बैग से निकाल के तुरंत मम्मा को धुलने के लिए दो, है ना। जैसे कि खाने की प्लेट उठा के लाना अपने लिए और खाने के बाद प्लेट धुलने के लिए रखना। इससे और थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए फिर अपना स्कूल बैग पैक करना, अपने से छोटे भाई बहन की केयर करना, ये होती है छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर और बड़ा हो जाए उसके बाद अपने कमरे की साफ सफाई करना, है ना, अपने बेड के कपड़े धुलने के लिए देना, और जैसे कि और थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर अपने घर में कोई भी फंक्शन है, अपन फंक्शन के पहले प्लान करते हैं कि ये होना है, तो उस प्लान में आप अपने बच्चे को बिठाएं, उसकी राय लें और उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जैसे कि रेस्टोरेंट के में ऑर्डर देना और भी कुछ बहुत सारे काम होते हैं ना फंक्शन में। तो ये होता है बच्चों को फैसिलिटी देने के साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें, कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसी के बाद हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही अच्छी आदत है, वो है भगवान में ध्यान। मेरा भी बेटा है, मैं उसको भी सिखाती हूँ। मेरा बेटा 3 साल का है और सच बता रही हूँ, स्कूल जाने से पहले मंदिर के आगे खड़ा होता है और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। तो ये आदत बहुत अच्छी है बच्चों में। देखिए भगवान में ध्यान लगाने से, मंदिर में मंदिर के आगे प्रार्थना हाथ जोड़ के खड़े होने से बच्चे में एकाग्रता आती है और बच्चे पॉजिटिव रहते हैं, उनकी सोच पॉजिटिव रहती है और वो नेगेटिविटी से वो तो दूर रहते हैं, है ना। तो ये बात भी बहुत जरूरी है, इससे बच्चे ईमानदार बनते हैं, सच्चे बनते हैं, है ना। तो ये थी मेरे कुछ 10 आदतें जो मैं फॉलो करती हूँ अपने बच्चे पे। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छी आदतें, अच्छी बातें हमें जरूर एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी अच्छी आदत पता है तो प्लीज इसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हम इसको जरूर शेयर करेंगे।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक जरूर करिए, और देखिए ये जो मैंने जो पॉइंट्स बताए ना, इसको पहले आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि बच्चे पर ही डालो, बच्चे आजकल के बच्चे बड़े नटखट हैं, वो आपको कहेंगी कि मम्मा पहले आप तो करो उसके बाद हम करें, है ना। तो ऐसा ना कहें आपके बच्चे, इसलिए प्लीज ये फॉलो, ये टिप्स पहले आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चों को सिखाइए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आप ही बच्चों के रोल मॉडल हो, है ना। तो ये पहले आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चों को ये अच्छी आदत सिखाइए और उनका फ्यूचर ब्राइट, खुश और सक्सेसफुल बनाइए, उनको उनका जीवन सुखी बनाइए। तो ये थी मेरी कुछ अच्छी आदतें जो मैं अपने बच्चे पर भी फॉलो करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर करें प्लीज, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये टिप्स अपने बच्चे पर जरूर फॉलो करें और उनका फ्यूचर ब्राइट बनाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।